आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असंत हलचल हरियाणा में। करनाल के जिला सचिवालय से लाइव हैं और सुबह मैंने आपको दिखाया था कि जो सभी चेयरमैन पद के उम्मीदवार थे, उसमें चाहे आम आदमी पार्टी है, भाजपा है या आज़ाद उम्मीदवार थे, वो सभी जो है एकजुट होकर के इकट्ठा होकर के सामने आए थे। तो तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहें असंत हलचल हरियाणा के साथ। बहुत बड़ी अपडेट है कि वो जो लोग हैं वो मिले हैं डीसी करनाल को, और डीसी करनाल ने क्या आश्वासन दिया है, क्या उनसे बातचीत हुई है, वो हम अभी आपको बताएंगे। जिला सचिवालय करनाल से ये लाइव तस्वीरें, तो तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप बने रहिएगा असंत हलचल हरियाणा के साथ। फिर बताना चाहूँगा जिला सचिवालय से, जी हाँ, करनाल जिला सचिवालय से इस समय हम लाइव हैं, और जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स का एक मुद्दा असंत में चला हुआ है उनको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता, भाजपा के नेता, आज़ाद उम्मीदवार जो है मौके पर कमलदीप सिंह लाडी, सोनिया बौद्ध, सलिंदर सिंह जो है मौके पर मौजूद हैं, और डीसी करनाल को यहां ज्ञापन सौंपा है। क्या आश्वासन जो उनको दिया गया है, क्या कहा गया है, तो उनसे जो है बातचीत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंत हलचल हरियाणा के साथ। लाइव तस्वीरें असंत हलचल हरियाणा के माध्यम से। आना जी, इधर आ जाओ। जिला सचिवालय, जी हाँ, जिला सचिवालय डीसी ऑफिस करनाल से इस समय हम लाइव। कमलजीत सिंह लाडी हमारे साथ हैं और सोनिया बहुत हमारे साथ हैं, सलिंदर सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे भाजपा के जो उम्मीदवार थे कमलदीप सिंह लाडी। लाइव ये तस्वीरें असंत हलचल हरियाणा के माध्यम से, तस्वीरों को शेयर। सोनिया बहुत भी समय साथ हैं, तो दीपक भाई तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे असंत हलचल। तो क्या बातचीत हुई है, कमलदीप सिंह लाडी हमारे साथ है, तो डीसी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया गया, क्या बातचीत हुई? जी धन्यवाद करता हूँ जी। हम डीसी साहब से मिले हैं, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है भी एक दो दिन में सारा ये निचोड़ ही निकल जाएगा जी, और सच्चाई सामने आ जाएगी और संत की जनता को भी पता लग जाएगा भाई किस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं। देखो जो ये इसका जैसे आपने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाया है, डीएमसी के ऊपर जो बात चल रही है, डीएमसी इसकी डुप्लीकेट है, और हमारे हमने यहाँ से वहाँ से सारा वेरीफाई कराया है, अपने लेवल पे हम जाके देख भी आए हैं, हमारे कुछ साथी भी गए थे वहाँ पे, उन्होंने जाके सारी डीपली जांच की है, और वो हमने उनको इस चीज से सब अवगत कराया। अब डीसी साहब ने भी बोला अभी हम अपने लेवल पे इंक्वायरी कराएंगे और एक दो दिन में आपको सारे बता रहे हैं। शपथ है तो कुछ बातचीत हुई आप इसके बारे में? शपथ कैसे, ऐसे शपथ तो देखो पहले तो इसको अपना ये कटारिया जी को अपना ये क्लियर करना पड़ेगा ना भाई, मेरा ये डीएमसी सही है कि गलत है। शपथ तो तभी होगी ना, हम तो शपथ तो पार्टी का काम है दिलवाना ना दिलवाना, ये जिला अध्यक्ष जी का काम है, इसमें तो हमारा कोई रोल नहीं। हमारा तो ये अभी जो डीएमसी इसकी डुप्लीकेट है, हमारा तो उसी के ऊपर ज्यादा ये है ध्यान है। यदि ठीक निकलते हैं डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए ठीक निकलते हैं, हाँ जी, तो क्या आपकी तरफ से विकास कार्यों में साथ दिया जाएगा? आराम से चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे सतीश कटारिया को हमें कोई एतराज नहीं है। और यदि धोखा निकलता है, हाँ जी, क्या कार्रवाई चाहेंगे? देखो फिर तो 420 लगेगी जी, इसके अंदर तो सभी को पता है। मानते हैं असंत की जनता के साथ धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा हुआ है, इसमें कोई नजर आ ही रहा है। इलेक्शन भी दोबारा होगा, आप चाहते हैं कि दोबारा फिर सेवा का मौका मिले आपको? देखो ये तो सरकार का फैसला है जी, जी जी जी, इसके ऊपर तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता ना। धन्यवाद आपके चैनल। तो लाइव ये तस्वीरें और सोनिया बहुत भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। सर भी आ गए, तो क्या बातचीत हुई है डीसी साहब से, आपने क्या बातचीत हुई है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट सोनिया बहुत, और डीसी साहब ने एक ही बात बोली है कि एक दो दिन के अंदर पूरा कंक्लूजन निकल जाएगा, पूरी तस्वीरें पूरी जनता के सामने आ जाएगी, और वो डिग्री बिल्कुल फेक है, और उन्हें डीएमसी के साथ एक डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है जो कि नोटरी टेस्टेड है। मुझे ये बताइए कौन सा एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो नोटरियों से टेस्टेड कराता है डीएमसीओ को? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि नोटरी की मार है, नोटरी टेस्टेड है, तो कहीं किसी प्रचार्य से हेडमास्टर से होती है? हाँ, हेडमास्टर गजटेड ऑफिसर से, और वो भी एजुकेशन ऑफिसर है वो करता है, जो डायरेक्टर होता है बोर्ड का, डायरेक्टर की जगह वहां पे एक नोटरी ने टेस्टेड करके सिग्नेचर कर रखे हैं, तो ये तो साफ नजर आ रहा है कि ये टोटली फ्रॉड है। और एक दो दिन में कहती हूँ जो भी एक्साइटेड है सभी लोग इस बात को जानने के लिए, बेशक सर भाजपा में चले भी जाए, शपथ भी हो जाए, कुछ नहीं होना है। एक बात बताइए, अगर भाजपा में चले जाए नकली चीज असली हो जाएगी क्या? सोचने वाली बात है, नकली है तो वो नकली ही रहेगी,
और ये तो बिल्कुल साबित भी हो गया है कि जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं वो किसी एजुकेशन जो बोर्ड के डायरेक्टर की बजाय वो जो टेस्टेड है वो किसी नोटरी से टेस्टेड है। और रही बात, एक बात ये है कि जो फरवरी 2018 में जो सील हो चुका है, 7 लोगों पे FIR हो चुकी है, उसके बाद बोर्ड पे ही सील हो चुका है, FIR हो चुकी है, फिर उसके बाद जुलाई में वो डिग्री इशू हो रही है, और उस डिग्री के बाद क्या बात, कोई बाद में कोई डिग्री नहीं लेने आया। तो सवाल एक नहीं, हजारों सवालों के घेरे में इस वक्त ये मार्कशीट है। और सरकार से और प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी, क्या डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, तो 2 दिन का इंतजार करिए, डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, तो पता चल जाएगा और पूरे शहर वासियों को पता चल जाएगा कि डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता है, ये कितना सही है कितना गलत है। आपने फिल्म देखी राजू बन गया जेंटलमैन? कौन सी, राजू बन गया जेंटलमैन? सतीश बन गया चेयरमैन, आपको क्या दिक्कत होगी? सतीश बन गया चेयरमैन, कोई बात नहीं, बन गया तो कोई बात नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेयरमैन बना है, लेकिन हमें फर्जी दस्तावेज से वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर उनके दस्तावेज सही है, चाहे वो बीजेपी ज्वाइन करे, चाहे वो कांग्रेस ज्वाइन करे, चाहे कुछ भी ज्वाइन करे, आप भी पार्टी देंगे? मैं क्या पार्टी दूंगी सर, फिर तो पूरे शहर की तरफ पार्टी है, हमारी की तरफ से क्या पार्टी। शैलेंद्र जी बताएंगे, काफी गंभीर अवस्था में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम अब जैसे डी सी साहब के पास आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम उनकी इंक्वायरी कराएंगे और आपको जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। जी, कहाँ से आपको ये डाउट लगा भाई ये डॉक्यूमेंट जो है नकली है, किस प्रकार से, फिर भी बताइए? डाउट असल में ऐसे ही कोई उनके रिलेटिव नहीं, किसी ने बात उठाई होगी, जब हमें पता लगा कि ऐसा कुछ है तो जैसे हमारे आप सुबह बताया था भाई 8वीं भी नहीं है। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला कि 8वीं नहीं है, वो सुनने जी ने बोला कि 10वीं जो 8वीं कंपलसरी थी इलेक्शन लड़ने के लिए, भी 10वीं की लगाने की जरूरत नहीं थी, वो 8वीं भी लगा सकते थे, तो उन्होंने 8वीं क्यों नहीं लगाई, उन्होंने डायरेक्ट वहाँ से ओपन बोर्ड से 10वीं ही क्यों गई, ये उसके बाद आश्वासन मिला है। आश्वासन डी साहब ने दिया कि इसका आप वेट करें, हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। वो देखो डी साहब ने हमें आश्वासन दिया, हम टाइम उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, हम उसके लिए सुबह से पता हो जाती है। नहीं, वो कहीं जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही हमें किसी को, हमें ना हमारे कहने से रुक रहे हैं, ना हमारे कहने से कहीं जा रहे हैं, शपथ होती है तो वो कुछ भी हो, हमने डी साहब से रिक्वेस्ट की है कि जब तक इसकी जांच ना हो ऐसा कुछ आगे का कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा ना की जाए। लेंद्र जी, आपको क्या लगता है वो भाजपा में क्यों जा रहे हैं? वो एक मेरे हिसाब से कि वो डर है, उनको डर की वजह से वो भाजपा में जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं किसी की गोद में जाकर बैठ जाऊँ, शायद मैं बचा लें, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, जो फेक है वो फेक है, उसके लिए कानून की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लाइव ये तस्वीरें DC कार्यालय जिला सचिवालय करनाल से, और इस समय हम DC साहब के ऑफिस से हैं, DC जिला करनाल से, हमारे छोटे भाई भी आ चुके हैं, और बताना चाहूँगा कि अभी DC साहब से मिले हैं तो क्या फर्जी है और क्या सच है, क्या झूठ है, वो जो है 1 से 2 दिन में जो है आपके सामने आ जाएगा। उससे पहले आप कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ये आवाज़ जो है काफ़ी दूर तक पहुँच चुकी है, और क्या वो भाजपा में चले जाएंगे, क्या वो जो है किस प्रकार से देखते हैं, क्या वो शपथ ले पाएंगे या नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ।